Hello class 9, let's begin with today's topic, that is graphical method. It is one of the very important topic of your this chapter motion. In this lecture we are going to study about three equations of motion by graphical method. Okay, let's talk about first equation of motion. We are very well aware ki first equation of motion hai kya, it is simply v is equal to u plus at. Okay, ab isko humne derive karna hai by using this graph in graphical method. ये एक उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर से है जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे. दो तरीके से इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव किया जाता है, फर्स्ट इज बाय एनालिटिक, फर्स्ट इज बाय अरिथमेटिक मेथड एंड सेकंड इज बाय ग्राफिकल मेथड. अरिथमेटिक मेथड आप अभी तक कर चुके हैं, अब हम बात कर रहे हैं ग्राफिकल मेथड की. ओवर देयर दिस पिंक कलर ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग द वीटी कर्व. इसे पिंक कलर का ग्राफ दिख रहा है, ये वीटी कर्व है, इसको मैं समझने की कोशिश करता हूं. तो ये जो शुरू हुआ है वो इनिशियल वेलोसिटी u पे शुरू हुआ है, इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी v थी, जो यहां पर देख सकते हैं. ठीक है, फिर फाइनल वेलोसिटी इसकी v थी, इनिशियल वेलोसिटी u थी. ओके, तो अगर मैं इस कर्व के अंदर इसे कोऑर्डिनेट लिखना चाहूं, ठीक है, तो ये होगा टाइम t = 0, ये होगा टाइम t = t. तो इस केस में आपका जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो बनेंगे t, v. ठीक है, जब अगर इसके कोऑर्डिनेट लिखना चाहूं तो ये क्या होगा, एट टाइम t = 0 velocity v is equals to u, 0 comma u, u जाएगा t comma v. okay, तो अब मैं आपको बढ़ाना करता हूँ शुरू. अपने को पता है slope of your vt curve, slope of your vt curve is equals to acceleration, that is equals to, तो हम सब input कर सकते हैं, a is equals to your y एक्सिस का लास्ट कोऑर्डिनेट. ठीक है, यहाँ पे क्या है v माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट u डिवाइडेड बाय t माइनस दिस जीरो. सिंपल सा यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में a इज इक्वल टू v माइनस u बाय t. ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दैट at इज इक्वल टू v माइनस u, v इज इक्वल टू u प्लस. वेरी इस तरीके से हमारा क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन डिराइव की जाती है. चलिए अब बढ़ते हैं सेकंड इक्वेशन की तरफ. अगेन सेकंड इक्वेशन की बात करें, वही इनिशियल वेलोसिटी इसकी u है, फाइनल वेलोसिटी इसकी v है, कोऑर्डिनेट्स अपने को पता है. ठीक है, टाइम t = t. इधर मैं आपको सीधे एन्यूमरेट करना चाहता हूं. सबसे पहले वो क्या है कि जो अपना डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व. ठीक है, इसका मतलब s इज इक्वल्स टू एरिया. अब मैं इसको दो एरियाज के अंदर डिफरेंशिएट कर सकता हूं, एक है ट्रायंगल और दूसरा ये रेक्टेंगल. सही है, तो मैं लिख सकता हूं दिस इज इक्वल्स टू एरिया फ्रॉम ट्राइंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल और रेक्टेंगल ओ ए डी सी. ओ ए बी सी, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर मैं लिखता हूं, इस ट्राइंगल का एरिया, तो वो क्या होता है, हाफ इनटू बेस. इसका बेस कितना है, ए डी इनटू हाइट. इसकी हाइट कितनी है, bd प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ये रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो oa इनटू oc, oa oc. ठीक है, सिंपल सा. चलिए अब बढ़ते हैं आगे. अब मैं कुछ चीजें दिखा रहा हूं लिखना. ठीक है, अगर मैं बात करूं यहां से आपके OA के बारे में, OA is equals to U, OA is equals to U, OA is equals to U. अगेन अगर बात करूं OC is equals to AD, OA, sorry, OC is equals to OD is equals to, ये कितना डिस्टेंस है, 0 से T, T. ठीक, अगला देखें, अगर मैं बात करूं CV, ऐसे की जरूरत नहीं पड़ती है,
बीडी चाहिए, ठीक है, तो बीडी हमें चाहिए, बीडी को मैं किस तरह से लिखूंगा, बीडी इज इक्वल टू, मैं उसे ये डिस्टेंस चाहिए, ये मेरे को कितना पता है बी है, ये मेरे को कितना पता है यू है, ठीक। तो ये अगर मैं निकाल के मेरा करूंगा वी के अंदर से यू को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, ये डिस्टेंस मिल जाएगा। इसका मतलब बी डी इज इक्वल टू बी सी माइनस सी डी, ठीक है। बी सी की वैल्यू कितनी है आपके पास में, वी माइनस सी डी, सी डी की वैल्यू कितनी आपके पास में, यू। तो बी डी इज इक्वल टू वी माइनस यू। ओके, अगली चीज अपन लोग बात करते हैं, और भी मशक नहीं है आपके पास में, एडी चाहिए था, एडी आ गया नहीं आया, एडी कितना है वो देखें, एडी किसके बराबर है, टी के बराबर है, एडी इज इक्वल टू ओसी इज इक्वल टू एडी इज इक्वल टू टी। ओके, और कुछ बच गया क्या, नहीं, चलिए लिखना शुरू करते हैं। एस इज इक्वल टू हाफ इनटू एडी, एडी की वैल्यू कितनी है टी मल्टीप्लाई बाय बीडी, बीडी की वैल्यू कितनी है v माइनस यू प्लस OA, OA की वैल्यू कितनी है अपने पास में u और OC की वैल्यू कितनी है अपने पास में p। ओके, अब हम इसको लिखना करते हैं शुरू, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ v माइनस u इनटू t। अब एक फ्लैशबैक में जाएंगे, अपने को अभी पता चला है दैट v इज इक्वल टू u प्लस at, इसको मैं इधर लेके आऊं तो क्या हो जाएगा, b माइनस u इज इक्वल टू at, ठीक है। तो बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आई कैन से दैट v माइनस u इज इक्वल टू at, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ v माइनस u को मैं अगर हम यहां से रिप्लेस at इनटू t, अब मेरे को यहां से क्या मिलेगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके, दिस इज माय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक। तो इस तरीके से अपन ने सीखो कि यार ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा, OA इज इक्वल टू u, ठीक है, OC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू t, BD इज इक्वल टू BC माइनस CD, BD को अपन ने क्या लिखा है BD, ठीक है, BC को अपन ने क्या लिखा सिंपल सा B, उसके बाद में अपन क्या था CD, CD अपन ने इसका जैसे कर दिया माइनस, अब मिल गया BD, तो V माइनस u क्या आया आपका BD। ओके, ये यूज करके मैंने आगे लिखा, इसके बाद में v माइनस u की वैल्यू मैंने लिखी बट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन at, मैंने लाया मल्टीप्लाई किया मेरे पास आया s इक्वल टू u प्लस r at स्क्वायर। ओके, चलिए लेट्स गेट ऑन नेक्स्ट इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, चलिए इसके अंदर करते हैं बार, इसके अंदर आपको फिर से पता होना चाहिए दैट इट इज 0 दिस इज t। ओके, यहां आपका a आया है, a पे आपका है u, यहां पे आपका v। ओके, वेरी इजी, चलिए अब हम करते हैं इसके बाद में शुरू, अगेन ये फर्स्ट जो इसका शुरू होगा वो होगा एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व कौन सा कर्व, बीटी कर्व बराबर कितना होगा, विल बी इक्वल्स टू योर डिस्टेंस, ठीक। तो यहां पर आएगा आपके पास में s इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, हमें पूरा कंसीडर करोगे ट्रेपेजियम, ठीक है, एरिया ऑफ कंप्लीट ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम का एरिया आपको मिलता से पता होगा ये होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय योर हाइट, या फिर बोले तो डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस, ये एक पैरेलल लाइन दूसरी पैरेलल लाइन है, इनके बीच का डिस्टेंस होता है वो क्या होती है आपकी हाइट होती है ट्रेपेजियम की। ओके, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, चलिए पानी लेते हैं, s इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, कौन सा ट्रेपेजियम, इसका नाम दे दो ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स करेंगे तो ओ ए प्लस बी सी, OA plus BC multiplied by height, height क्या रखनी है, OA क्या लिखते हैं AD लिख दो या फिर OC लिख दो, लिख देते हैं OC, ठीक। अब मेरे को फिर से बताएं
जो मेरे पास क्या है अपना सिंपल सा OA की वैल्यू, जो OA की वैल्यू वो क्या है u, तो मैं लिखना शुरू करता हूं दैट OA इज इक्वल्स टू u, ठीक। तो इसका लिखूंगा BC इज इक्वल्स टू व्हाट C, v, इसके बाद में मुझे क्या पता है OC इज इक्वल्स टू t, ये चीज मेरे को तीनों ऑलरेडी पता है बाय दिस पर्टिकुलर ग्राफ। इसके बाद हम लिखना शुरू करते हैं, तो S इज इक्वल्स टू हाफ इनटू v प्लस u मल्टीप्लाइड बाय t, ओके। तो अगेन बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अपने को क्या पता है कि v माइनस u इज इक्वल्स टू at, तो यहां से मैं निकाल सकता हूं दैट a इज इक्वल्स टू v माइनस u डिवाइडेड बाय t। हमें तो निकाल लिया t की वैल्यू, t इज इक्वल्स टू आ जाएगा मेरे पास v माइनस u डिवाइडेड बाय a। नाउ यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ t इन दिस इक्वेशन I'm going to get S is equals to half V plus U multiplied by V minus U, ठीक है? तो इस चीज को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब मैं देखूंगा तो S is equals to half V, अच्छा यहाँ A plus B में A minus B वाला फॉर्मूला लग रहा है, A square minus B square, मतलब B square minus 2 square, ठीक है? Divided by आपने क्या S के साथ में A, divided by यहाँ क्या है आपका S के साथ में A, अब 2 एक और दे दो ऊपर आपको मिल जाएगा फाइनली 2as = b² - u², ओके। इन दिस वे योर थर्ड इक्वेशन इज आल्सो डिराइव यूजिंग द ग्राफिकल मेथड। चलिए तो यहां पे आपका लेक्चर होता है कंप्लीट। चलिए थैंक यू फॉर टुडे, लेट्स मीट इन नेक्स्ट लेक्चर।